शाज़ीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मैंने इंस्टा हैंडल बनाया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आ गई हूँ। ये है सनसिल्क, ग्रीन सनसिल्क का कंडीशनर है, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनमें शाइनिंग नहीं है और आप चाहते हैं कि आफ्टर शैम्पू जो है आपके बाल जो हैं वो बहुत शाइनिंग करें एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएं, बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगें, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है सनसिल्क का ये ग्रीन कंडीशनर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप शैम्पू करते हैं तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आप लोग बाल जो हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, उनमें शाइन नहीं आती है। एंड जब आप कोम करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा जो है देखिए आप लोगों के टैन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अटकते हैं। ये देखिए, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजनेस है तो फिर आपको यूज़ करना चाहिए सनसिल्क का ग्रीन कंडीशनर, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है ग्रीन कंडीशनर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इसके शैम्पू के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो इसके शैम्पू के बारे में भी बनाई है। तो आप मेरी जो है वीडियो के लिंक पे जाकर प्लीज़ उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड अगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जब कंडीशनर करेंगी तो आप जिस दिन कंडीशनर करेंगी उस दिन जो आप जब शैम्पू करेंगे उसके साथ सबसे पहले आप अपने जो है वो ग्रीन सनसिल्क से अपने हेयर को वॉश कर लेंगी, ठीक है। अच्छे तरीके से अपने हेयर को जो है वो वॉश कर लेंगी। जब आप हेयर वॉश कर लेंगी तो फिर आप थोड़ा सा कंडीशनर लेंगे अपने हाथ पे, ठीक है। अपने हाथों पर जो कंडीशनर लेंगे उसको जो है वो पानी नहीं लगाना है, कंडीशनर को अपने हाथ पाम पे लेकर एंड आपने अच्छी तरह से यहाँ से देखिए, मैं आपको बता देती हूँ आपने कंडीशनर जो है वो कहाँ से यूज़ करना है। आपने कंडीशनर यहाँ से यूज़ करना है, ठीक है। इतने आपने हेयर्स लेने अपने एंड आपने इसको यहाँ से लगाना है, ठीक है। आपने स्कल्प पर नहीं यूज़ करना है। प्लीज़, कोई भी कंडीशनर होता है उसको आपने अपने स्कल्प पर अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने उसको स्कल्प पर अप्लाई करना है तो अगर आपसे हो जाता है वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि उसको जो है वो सिर्फ हाफ पार्टीशन पे ही यूज़ करें, ठीक है। टिप्स पे ही यूज़ करें, रूट्स पे यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर कोई कंडीशनर के अंदर हार्श केमिकल होता भी है तो वो आपके बालों को गिरा सकता है, आपको हेयर फॉलिंग हो सकता है। वैसे तो सनसिल्क में नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप हाफ़ जो है वो हेयर्स लें इन पर अप्लाई करें। एंड अगर आपको जो चाहिए वो आपके हेयर्स में और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाए, और भी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाए और भी ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसके लिए आपको डेली यूज़ करना है ग्रीन सनसिल्क एंड ग्रीन सनसिल्क का शैम्पू एंड कंडीशनर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। अगर आपको इसके शैम्पू के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी आप मेरी आईडी में देख सकते हैं। अगर आपको कंडीशनर के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके हेयर फॉल में या आपके किसी चीज़ में कोई जो है वो आता है, देखिए समर्स हैं, सबको हेयर फॉल पोर होता है। एक छोटी सी टिप भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब भी आप नया प्रोडक्ट लाते हैं, जब आप उसको यूज़ करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपको जो है थोड़ा सा जो है ऐसे लगता है कि कभी कभी आपके हेयर अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो देखिए ये समर्स चल रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, सबको हेयर लॉस होता ही होता है, मुझे भी होता है, मैं भी यूज़ करती हूँ तो मुझे भी होता है। ये समर्स का टाइम है, 3 to 4 months होते हैं, कुछ लोगों को विंटर्स में होता है और कुछ लोगों को जो है वो लगती है जिनको बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जिनको हेयरफॉल होता है। तो अगर आप लोगों को हेयरफॉल भी होता है या कोई आपके हेयर में खूबसूरती नहीं है, शाइनिंग नहीं है और उनमें जो है वो बाउंस नहीं है, तो आपको जो है ये लेकर आना है ग्रीन सनसिल्क एंड ग्रीन कंडीशनर जो लेकर आना है। अगर आपके हेयर की ग्रोथ नहीं होती है, लेंथ नहीं बढ़ती है, तो उससे लेंथ भी आपकी बढ़ेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय।